डीमन स्लेयर चैप्टर 197। तामायो कहती है, मुझे तुम्हें मारने के लिए तुमसे ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ही कमजोर बना सकती हूँ। जैसे तुम जिंदा रहने के लिए कुछ भी करोगे, मैं भी तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुजान सोचता है नॉर्मली इसका कुछ भी मतलब नहीं होता, उनके अटैक यहाँ तक कि शाइनिंग रेड ब्लेड के अटैक भी मुझ पर काम नहीं करते। किसी भी डीमन स्लेयर का रेड ब्लेड उस आदमी के रेड ब्लेड के सामने कुछ भी नहीं था, और रीजनरेशन से मुझे कभी भी थकान नहीं हुई। पर इन चार ड्रग्स ने उन अटैक को काम करने पर मजबूर कर दिया, जिससे मैं कोने में फंस गया। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो औरत इतने कम टाइम में इतनी पावरफुल ड्रग बना लेगी, और वो उन ड्रग्स से काफी अलग है जिसका इस्तेमाल डोमा के ऊपर किया गया था। ये पहली बार है जब मैं इन्हें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे इन्हें एनालाइज और खत्म करने के लिए टाइम चाहिए। जब ही मुजान रुक जाता है, तांजिरो सोचता है, उसने हिलना बंद कर दिया। मुझे पता है ये तमायोसान की ड्रग की वजह से है, हम ये कर सकते हैं, सुबह होने में थोड़ा ही टाइम है। पर जब ही मुजान एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, इससे ओबानाई और तांजिरो का बिल्कुल ही बुरा हाल था। मुजान की चेस्ट पर बहुत सारे नुकीले दांत आ चुके थे। तांजिरो को सांस नहीं आ रही थी। वो हमला, शॉक वेव खत्म, सांस लो नहीं ले सकता, मुझान मुंह भाग जाएगा। ये शॉक वेव किरिया तक भी पहुंच चुकी थी। शिंजिरो कहता है, ओ याकाता सामा। किरिया कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरे ऊपर ध्यान मत दो। क्या तांजिरो और ओबानाई ठीक है? शिंजिरो सोचता है, मुझान का हमला यहाँ तक पहुँच गया, इम्पोसिबल, उसे इस लोकेशन का पता नहीं होगा। किरिया कहता है, आई की पोजिशन शिफ्ट हो चुकी है, मैं देख नहीं सकता, सुबह होने में सिर्फ 25 मिनट है, बस थोड़ा और मुझान को भागने मत देना, प्लीज कोई इन बच्चों की मदद करो। तांजिरो सोचता है, खड़े हो जाओ। नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरे फेफड़े क्रश हो चुके हैं। इगुरो-सान कहाँ है? मुझान भाग जाएगा। पर जब ही मुझान पर इनोसुके हमला करता है, इनोसुके कहता है, तुमने मुझे पहले अटैक में फंसा लिया था। तांजिरो कहने की कोशिश करता है, इनोसुके खतरा। मुझान एक शॉक वेव प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। मुझान सोचता है, मैं टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या ये थकान है? इनोसुके कहता है, उन्होंने हमें बचाया, उस बोल वाले आदमी का पैर और आधे हाओरी वाले का हाथ कट गया। ये सभी लाशें उन लोगों की है जिनके साथ मैंने कभी खाना खाया था, उन्हें वापस दो, वो पैर, वो हाथ, वो जिंदगी वापस दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम इसके पश्चाताप के लिए बार बार मरोगे। इनोसुके उसके ऊपर हमला करता है, पर मुझान अपने एक हाथ को जमीन में गाड़ कर इनोसुके की तरफ से निकाल देता है। इनोसुके उसके अटैक में फंस चुका था। तांजिरो सोचता है, इनोसुके, हाँ इनोसुके, उसकी कोई मदद करो। नहीं, मैं पहले मर जाऊंगा। पर जब ही कोई मुझान के उस हाथ को काट देता है, ये जेनित्सु था। जेनित्सु कहता है, इनोसुके अपने आप को संभालो, तांजिरो भी जिंदा है, मैं उसकी धड़कन को सुन सकता हूँ। तांजिरो, बस जिंदा रहने के बारे में सोचो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम नहीं मरोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, तुम नेजुको चान के साथ वापस घर जाओगे, वो नेजुको चान जो अब इंसान बन चुकी है, तुम उस घर में जाओगे जहाँ पर तुम बड़े हुए हो, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम दोनों के लौटने का इंतजार कर रही है। पर जब ही मुझान उसके ऊपर हमला कर देता है, उसके हमले को इनोसुके रोक देता है, फिर वो इनोसुके को दूर फेंक देता है। इनोसुके की बुरी हालत थी। तांजिरो सोचता है, ब्लड डीमन आर्ट, इससे मेरी नर्व्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, हाँ नीचरिन ब्लेड शायद काम कर सकता है, खड़े हो जाओ, उसे पकड़ो, जल्दी करो, इसे अपने अंदर गाड़ो, ब्लड वेसल्स और वाइटल स्पॉट्स को अवॉइड करो। वो ऐसा ही करता है। क्या ये काम करेगा? प्लीज रुक जाओ। मुझान बिल्कुल थक चुका था। मुझान सोचता है, मैं अपने हाथ को नहीं उठा सकता, मेरा पूरा शरीर भारी महसूस हो रहा है। वो वापस खड़े हो रहे हैं। जेनित्सु वापस खड़ा हो रहा था, और इनोसुके भी खड़ा होने में अपना पूरा दम लगा रहा था। ये जिद्दी कीड़े, मैं तुम्हें बार बार कुचलता रहता हूँ, बार बार, फिर भी तुम नहीं मरते, तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहते हो और आगे, तुम बार बार खड़े हो जाओगे, सुबह होने तक, जब तक मैं अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेता। गियो और गियो में भी खड़े होने में अपना पूरा दम लगा रहे थे। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डेमन स्लेयर चैप्टर 198। बटरफ्लाई मेंशन में सभी लड़कियां प्रेयर कर रही थी। सेंजिरो भी अपने घर पर प्रेयर कर रहा था। इनोसुके कहता है, बीस्ट ब्रीदिंग फोर्थ फैंग मींस टू बीट्स। जेनित्सु कहता है, गॉड स्पीड थंडर क्लैप एंड फ्लैश। जेनित्सु सोचता है, मेरे पास ज्यादा स्टेमिना नहीं है, मेरा एक पैर काम नहीं कर रहा, अगला अटैक मेरा आखिरी होगा जिसे मैं अपनी फुल पावर के साथ कर पाऊंगा। सेवंथ फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। वो मुझान को एक कट मार देता है। जेनित्सु सोचता है, वो कट इतना गहरा नहीं है, मेरा ब्लेड रेड होना चाहिए, नहीं तो वो डैमेज नहीं करेगा। शिट। इनोसुके कहता है, फिफ्थ फैंग मैड क्लीव, थर्ड फैंग रीप एंड डिवावर। जब भी मुझान अपनी शॉक वेव का इस्तेमाल करता है, इनोसुके को काफी चोट लगी थी। जेनित्सु चिल्लाता है, इनोसुके
नहीं, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। पर जब ही तांजिरो कहता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन स्कोर्चिंग फ्लेम हेज फायर चैरियट शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, तांजिरो सोचता है वो शॉकवेव वाला अटैक मुजानो से लगातार नहीं कर पाएगा। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे टाइम चाहिए होता है। उसके हाथ और विप भी अब स्लो हो जाएंगे। सोलर हेलो ड्रैगन डांस स्कोर्चिंग फ्लेम पर जब वो खून की उल्टी कर देता है, उसे मुजान का अटैक लगने ही वाला था। पर बीच में इनोसुके आ जाता है सिक्स्थ फैंग जैगड नो। तांजिरो कहता है सन ब्रीदिंग फ्लेम वॉल्स अजूर हेवन फेक रेनबो। जेनित्सु सोचता है खड़े खड़े हो जाओ, अगर हम अभी रुक गए तो मुजान भाग जाएगा। कोई भी हमला काम करेगा, बस मुजान के ऊपर हमला करो। चलो अब काम करो मेरी बॉडी। ग्रैम्स प्लीज ग्रैम्स 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 मेरे लिए मेरी पीठ थपथपाओ। थंडर क्लैप एंड फ्लैश, वो मुजान को एक कट मार देता है। मैं उतना फास्ट नहीं हूँ, गॉड डैम इट। पर जब इनोसुके कहता है बीस्ट ब्रीदिंग, तांजिरो कहता है सन ब्रीदिंग मैडली वोल्ट्स। मुजान इनोसुके को दूर फेंक देता है। तांजिरो सोचता है इनोसुके नहीं रुको मत, अपने हमलों को मत रोको। द सेटिंग सन सोलर हेलो, पर जब उसका पैर फिसल जाता है, जेनित्सु कहता है गॉड स्पीड थंडर क्लैप एंड फ्लैश। पर जब ही मुजान उसके ऊपर हमला कर देता है, तांजिरो कहता है सन ब्रीदिंग सोलर हेलो ड्रैगन डांस स्कोर्चिंग क्रिम्सन मिरर सनफ्लावर लेंस। वो अपने ब्लेड को उसके अंदर गाड़ देता है। अब मैं और टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं मुजान को यहीं रोके रखूंगा, भले ही ये एक पल के लिए क्यों ना हो। मुजान उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, पर जब ही वहां पर मित्सुरी आ जाती है। अब चलो भी इसे बंद करो, वो उसके एक हाथ को काट देती है। फिर मुजान मित्सुरी के ऊपर हमला करता है। तांजिरो कहता है कानरोजी सान, जब इस सानेमी आकर उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। तांजिरो सोचता है सिनाजुगावा सान, पर जब ही मुजान का मुंह बीच में से कटने लगता है, उसके मुंह में से बहुत सारे दांत निकल आए थे, वो तांजिरो को खाने ही वाला था। तांजिरो सोचता है पीछे मत हटो, मुजान को भागने मत दो। जब ही बीच में ओबानाई आ जाता है, ओबानाई अपना पूरा दम लगा रहा था, जब ही एक क्रोच चिल्लाता है सुबह हो रही है सबके सब डटे रहो। तांजिरो सूरज की तरफ देखता है, सूरज की पहली किरणें आने ही वाली थी। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डेमन स्लेयर चैप्टर 199। मुजान सूरज की तरफ देखता है और एक बहुत ही बड़ी शॉकवेव प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से सानेमी दूर जाकर गिरता है। ओबानाई के साथ भी यही हुआ था, तांजिरो का एक हाथ कट चुका था। तांजिरो सोचता है उसे जाने मत दो, अपने हाथ को ढीला मत छोड़ना, रेड अपने ब्लेड को रेड करो, अपने दिल की मशाल को जलाओ रेड हो जाओ। जब ही कोई और आकर तांजिरो का ब्लेड पकड़ लेता है, ये गीव था, वो ब्लेड रेड होने लगता है। मुजान खून की उल्टी करता है, सूरज की किरणों की वजह से वो जलने लगा था। मुजान सोचता है अगर मैं अपनी बॉडी को छोटा करूंगा तो मैं एक पल में ही जल जाऊंगा, अपनी बॉडी को बचाओ एक फ्लैश के आर्मर के साथ। वो एक बड़े से बच्चे जैसा बन चुका था। गीव सोचता है उसने अपनी बॉडी को बड़ा कर लिया। तांजिरो उसके अंदर खींचा चला जाता है और गीव पीछे हट जाता है। क्रिया कहता है उसे छाव में मत जाने देना, उसे खत्म कर दो। बाकी डेमन स्लेयर्स उसके ऊपर एक बुक शेल्फ फेंक देते हैं, इससे भी उसे चोट लगी थी। क्रिया कहता है अगला अभी जाओ। फिर दो तीन डेमन स्लेयर उसके ऊपर कार से टक्कर मारते हैं। क्रिया कहता है ध्यान से पीछे हट जाओ, वो उस कार को क्रश कर देता है। पर डेमन स्लेयर वहां से निकल गया था। क्रिया कहता है आगे बढ़ो, उसे हिलने मत देना, वो उसके सामने एक बस को उड़ा देते हैं। एक डेमन स्लेयर कहता है पीछे मत हटना, भले ही कुछ क्यों ना हो जाए, हाशिरा नहीं लड़ सकते, बस आगे बढ़ते रहो, हम सब साथ हैं, हमें डर नहीं लगता। क्रिया कहता है मरना मत, बस अभी के लिए हट जाओ, मैं अगले मुंह के बारे में सोचता हूँ। मुजान उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, पर जब ही वहाँ पर सानेमी आ जाता है विंड ब्रीदिंग नाइन्थ फॉर्म स्कांदा टाइफून, वो मुजान के हाथ को काट देता है। सानेमी कहता है तुम लड़खड़ा रहे हो, अब बस धूल बन जाओ। मुजान उस बस पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर जब ही गियोमे उसके आसपास अपनी चैन बांध लेता है, वो अपना पूरा दम लगाकर अपनी चैन को खींचता है। मुजान की बिल्कुल ही बुरी हालत थी। क्रिया कहता है राख बन जाओ सूरज में, बस जल जाओ। जब ही वो जमीन को खोदना शुरू कर देता है, गियोमे कहता है वो जमीन को खोदने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर हमला करके उसे थकाते रहो। गियो कहता है वाटर ब्रीदिंग टेंथ फॉर्म कॉन्स्टेंट फ्लक्स। गियो सोचता है एक हाथ से स्लैश करना ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। सानेमी कहता है विंड ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म विंटर गेल। ओबानाई कहता है स्नेक ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म ट्विन स्नेक हेड। गियोमे सोचता है हर कोई अपनी लिमिट पर है, हम और आगे नहीं जा सकते, अब बस मर जाओ। नहीं, ये किसी भी काम का नहीं है। मुजान के अंदर तांजिरो का रेड ब्लेड अभी भी डैमेज कर रहा था, उसकी वजह से मुजान का सर फट जाता है। मुजान अब रो रहा था। फाइनली वो सूरज में राख बन जाता है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।